हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं पेपर पब्लिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अराउंड 2011 एंड 12 एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल के एडिटर जो हैं उन्होंने एक सीरीज निकाली थी 7 पार्ट की, दैट्स अ पब्लिशिंग इन AMJ, कि अगर आपको पब्लिश करना है एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में तो एडिटर्स की तरफ से कुछ टिप्स और टेक्निक आपको बताई गई थी। छोटे छोटे और एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, तो अगर आप गूगल स्कॉलर पे लिखते हैं पब्लिशिंग इन AMJ एडिटर तो आपके पास ये पेपर्स आ जाते हैं। सारे ओपन सोर्स में हैं, आप इनको एक बार डाउनलोड करें और इनकी हम बात करते हैं। पहला जो पार्ट है दैट्स अबाउट द टॉपिक, ये शुरू करते हैं अपना। अच्छा, बड़े सिंपल छोटा सा आर्टिकल है 4 पेज का, तो ये शुरू करते हैं अपना। ये बोलते हैं कि अभी हमारे पास 64 के करीब हमारे पास आर्टिकल हैं जब हम ये लिख रहे हैं हम ये, लेकिन इनका जो फेट है वो बहुत पहले डिसाइड हो गया था इन पेपर्स का, जब ऑथर्स ने अपने टॉपिक चूज किए थे। तो सबसे पहले ही आता है आपके रिसर्च वर्क में कि आपका टॉपिक कैसे चूज करेंगे आप, उसके लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। इनका कहना है कि हमें 5 क्राइटेरिया हम बताते हैं। पहला सिग्निफिकेंस, नॉवल्टी, क्यूरोसिटी, स्कोप और एक्शनेबिलिटी। सिग्निफिकेंस ये शुरू करते हैं एक पर्सन के साथ, डेविड हिलबर्ट, मैथमेटिक्स में काम करते थे ये, और इन्होंने 20th सेंचुरी के जब खत्म होने लगा तब दिया था एक टर्म ग्रैंड चैलेंज। ग्रैंड चैलेंज में इन्होंने बताया कि वो सारी प्रॉब्लम्स मैथ की जो सॉल्व नहीं हुई हैं वो इन्होंने एक लिस्ट से बना दी, और बहुत रिसर्चर का बड़ा फायदा हो गया क्योंकि आपके पास अब एग्जैक्टली पता है कि हमें कहाँ पे काम करना है। एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड पर्सन अगर बता रहे हैं ये चीजें हैं जहां पे काम करना चाहिए, ये बड़ा पॉपुलर हुआ। और ये ग्रैंड चैलेंज हर फील्ड के अंदर बनाया गया, ग्रैंड चैलेंज इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिसिन के अंदर, सबके अंदर। तो जैसे 2011 का ये जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स हैं, इन्होंने कहा कि अगला बड़ा चैलेंज है सोलर एनर्जी पे कैसे काम करें, उसको इकोनॉमिकल कैसे बनाएं, घर घर में कैसे पहुंचाएं। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसका तो सबको पता ही है, पॉवर्टी, डिजीज, हंगर, इनको कैसे कम करें। तो अगर कोई इन पे काम करता है तो एक बिल्कुल टॉपिक नॉवल है, रेलिवेंट है, पर्टिनेंट है सोसाइटी के लिए। अब मार्केटिंग के डोमेन में, मैनेजमेंट के, कॉमर्स के डोमेन में ऐसा नहीं संभव है कि कोई ऐसा लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम एक ग्रैंड चैलेंज बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा, चैट GPT का आ रहा है बिल्कुल, मेटावर्स आ रहा है, AI, VR, इनका बहुत रोल आ रहा है। तो ये अगर हमें एक पोज करना पड़ेगा कि ग्रैंड चैलेंज कैसे है, इसमें मेरी स्टडी कैसे कंट्रीब्यूट करती है, तो हमें अनसोल्व प्रॉब्लम्स की बात करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो टाइम टू टाइम, लिटरेचर टू लिटरेचर भी वेरी करेगी, चेंज होते रहते हैं, नई नई चीज आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन में जो काम करते हैं तो वहां पे क्लोनिंग के एथिकल एस्पेक्ट्स, इस पे बहुत काम हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हमें अपना टॉपिक को प्रेजेंट करना पड़ेगा एक रेलिवेंट उस टाइम की सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, और उसको मेरा टॉपिक कैसे एड्रेस करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हमें अपने टॉपिक की सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सोल्ड हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस। सेकेंड है नॉवल्टी। नॉवल्टी का ये कहते हैं कि देखिए, आप यूं माने जैसे एक आप पार्टी में गए, वहां लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनमें शामिल होकर जस्ट जो वो बात कर रहे हैं उनमें कुछ बता रहे हैं, या आप जब बोलना शुरू है लोग चुप हो जाते हैं। तो ये यहां पे बोलते हैं कि कन्वर्सेशन के बारे में बताइए, आपकी कन्वर्सेशन बिल्कुल नई डायरेक्शन में गई या आप सिंपली उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। तो आपके कन्वर्सेशन, आपका पेपर, टाइटल, टॉपिक ऐसा हो कि लोग एकदम से चुप हो गए, सुने आपकी बात कि अच्छा ये क्या बता रहे हैं, बिल्कुल नई बात बता रहे हैं, दैट्स अ नॉवल्टी। नॉवल्टी वैसे हर जर्नल बोलता है नॉवल्टी होनी चाहिए। नॉवल्टी कैसे आई, एक इन्होंने कहा कि आप ना दो या दो से ज्यादा लिटरेचर या डिसिप्लिन को मिक्स करके काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो अभी पिछले कुछ सालों से बिहेवियरल फाइनेंस इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं देखिए, एक फाइनेंशियल थ्योरी है, उसके बहुत सारे अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन कई बार नहीं भी सही होते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे साइकोलॉजी कुछ बोलती है, तो साइकोलॉजी को और अगर हम फाइनेंस को मिला दें तो हमारा बिहेवियरल फाइनेंस और इस टाइप की चीजें बनती हैं। तो अब थोड़ा साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और उसकी एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के लोग हमेशा बोलते हैं ह्यूमन बींग्स बिल्कुल रैशनल हैं, रैशनल डिसीजन लेंगे, लेकिन काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं, रैशनलिटी नहीं भी होती, वॉयलेट भी हो जाती है, तो क्या और चीजें हैं।
तो दो डिसिप्लिन्स को मर्ज करके आप जब काम करें तो सबसे पहले तो ये नोट करें, यहां हमेशा आप थ्योरी से काम शुरू करते हैं। जब भी आप अपना रिसर्च शुरू करें आप ये देखेंगे, अच्छा जो भी टॉपिक मैंने लिया इससे रिलेटेड थ्योरीज कौन सी हैं, क्या बोलती हैं थ्योरीज और उनके अंदर गैप क्या है, कहां रह जाते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जनरली हम जब नोवल्टी की बात करते हैं तो एक फील्ड आता है हमारे पास स्ट्रेटजी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनमें मान के चलते हैं कि हाँ ये तो हमेशा नोवल्टी देखती है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर, जहां भी कुछ चीज हो उसको कैसे यूज किया जाए। अब आहूजा एंड लैम्पर्ट ने 2001 में एक स्टडी की, उन्होंने कहा इनके तीन पिटफॉल्स हैं, तीन पैथोलॉजी हैं जो लर्निंग को या नोवल्टी को स्टॉप करती हैं। क्या है वो? पहला तो यह है टेंडेंसी टू फेवर द फैमिलियर, हमेशा हम फैमिलियर जो होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग प्रेफर करते हैं, जो भी मैच्योर होगा उसको हम प्रेफर करते हैं नेसेंट की जगह, और हम वो प्रेफर करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग अप्रोच जो हम काम कर रहे हैं उसमें कम से कम डेविएशन करना पड़े। इन तीन को ये ट्रैप बोलते हैं, फेमिलियरिटी ट्रैप, मेच्योरिटी ट्रैप, नियरनेस ट्रैप। अब एएमजे के एडिटर्स का कहना है कि देखिए ये इतना शानदार पेपर लिखा, अब इससे रिलेटेड कोई भी कुछ काम करेगा दैट्स अ गुड वन, और इसी को पब्लिकेशन में लगाइए। पब्लिकेशन में फेमिलियरिटी ट्रैप, आपने एक ऐसा टॉपिक लिया जो हर कोई फेमिलियर है, फिर उसमें क्या निकल कर आएगा, लोग उसको मानेंगे यार इसके बारे में सब कुछ पता है। अनटिल अनलेस आप उसका कुछ बहुत ब्रेक थ्रू नहीं देते, कोई बहुत 180 डिग्री नहीं बात बताते हैं, तो यहां पे एक बहुत अच्छा वर्ड आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पे काम करें आप हमेशा, थ्योरी में ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, काम बोलते लोग कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई टॉपिक बहुत मैच्योर है तो भी उसमें क्या ही कॉन्ट्रीब्यूशन आप दे पाएंगे, ये थोड़ा सा इशू आता है यहां पे। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जैसे इनोवेशन की हम बात करते हैं वहां पे हमारे पास, या एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सरकार 2004 अग्रवाल फ्रांको एक्सेट्रा ने एक टर्म दी थी स्पिन ऑफ, स्पिन आउट। स्पिन आउट का मतलब है कि आपने एक नया कोई एंटरप्रेन्योर वेंचर शुरू किया, आप ही के एम्प्लॉय काम सीख के उसी का एक कॉम्पिटिटर बन गए। अब ये एक बिल्कुल नई चीज है, थी एटलीस्ट 2001-2004 में, कि ये भी ऐसा भी होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो बहुत करीब लोग हैं वही आपके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योर्स में। अब इस पे बहुत सारे फिर पब्लिकेशन किए, बिल्कुल नई चीज इन्होंने दी। नेक्स्ट इन्होंने कहा क्यूरियोसिटी के बारे में। क्यूरियोसिटी का इनका ये कहना है, देखिए हम जब भी कोई पेपर पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी उसमें रहनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी रहेगी तो एक डेविस ने एक टर्म दी थी 71 में, इंडेक्स ऑफ इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्ट है। अच्छा कैसे होगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हमेशा तब बनेगा, डेविस ने कहा, टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग व्हेन देयर प्रपोजिशन काउंटर आवर रीडर्स टेकन एज ग्रांटेड अजम्पशन। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि जो आप समझ रहे हैं वो गलत है, आप ये कहेंगे कि देखिए जो भी आप मान के चल रहे हैं ना वो सही है, प्रोवाइडेड उसके अजम्पशन सही है। व्हाट इफ अजम्पशन ही रॉन्ग हो? जैसे फाइनेंस में हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स तो बिल्कुल रैशनल है, व्हाट इफ के रैशनल नहीं है, फिर क्या होगा? तो वहां पे जो इरेशनल बिहेवियर है उसके कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप अजम्पशन को चैलेंज करते हैं कि अजम्पशन गलत हो सकता है, इसीलिए नई चीज आती है। यहां पे मैं एक आपको बुक रेफर करूंगा, प्रिडिक्टेबली इरेशनल। प्रिडिक्टेबली इरेशनल ये जो बुक है, डेन एरेली प्रोफेसर है, इन्होंने लिखी है, और इनका ये कहना है कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। इनके दो वर्ड हैं बुक में, एक तो ह्यूमन बिहेवियर सारा का सारा इरेशनल है और वो टोटली प्रिडिक्टेबल है। आप बिल्कुल बता सकते हैं ये पर्सन कैसे करेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग लैंडमार्क बुक है ये, हर एक को पढ़ना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग के डोमेन में हैं, फाइनेंस के डोमेन में हैं, डिसीजन मेकिंग में हैं, तो बहुत शानदार किताब है ये, आपको पढ़नी चाहिए। क्यूरियोसिटी पे वापस बात करते हैं, इनका ये कहना है कि अगर आपके पास कोई स्टडी है जो आपको ये दिखाती है कि जो भी सीमिंगली गुड फिनोमिना है वो बैड भी हो सकता है, तो ये क्यूरियोसिटी अरोज करती है कि आप हमेशा अब अदर साइड भी दिखाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, मैंने सर्च किया है यहां पे द डार्क साइड ऑफ मेटावर्स। अब मेटावर्स काफी लोग काम कर रहे हैं मेटावर्स के दुनिया में, इसमें फाइनेंस के लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे है द डार्क साइड ऑफ मेटावर्स, कि इसके अंदर भी हैरेसमेंट, असॉल्ट्स, ये सब चीजें भी यहां पर चल रही हैं। अब ये जो चीज है हमें मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई बता रहा है नहीं इसका एक दूसरा साइड भी है, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग बनती है जब आप उसका दूसरा पहलू भी दिखा सकें।
सेकंड इन्होंने कहा क्यूरियोसिटी के लिए आप मिस्ट्री को यूज करें। अब सीधी सीधी चीजें ना लिखें ऐसा होता है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, द इफेक्ट ऑफ लीडर डिस्प्लेज ऑन हैप्पीनेस ऑन टीम। टीम की परफॉर्मेंस पे लीडर कैसे बिहेव करता है, वो अपनी हैप्पीनेस को कैसे डिस्प्ले करता है, उसके ऊपर पेपर है। अब एडिटर्स का ये कहना है तो बड़ा सीधा सा है ना, हमें पता है कि कंक्लूजन में क्या लिखेगा और कैसे कैसे होगा, सारा पता ही है। लेकिन ऐसे ही टॉपिक को ये वैनक्लिफ, होमैन, बीमसर, इन्होंने 2009 में लिखा और इन्होंने पेपर लिखा है, उनका जो काम है, वेदर टीम परफॉर्मेंस वुड बी फैसिलिटेटेड बाय द लीडर डिस्प्लेइंग हैप्पीनेस और लीडर डिस्प्लेइंग एंगर। किससे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, कौन सा अप्रोच ज्यादा काम करेगी, हैप्पीनेस दिखाए तब पर बढ़ेगी है इसमें। अब एडिटर्स का ये कहना है इस पे अब गेस करना मुश्किल है, हमें नहीं पता, हो सकता है हैप्पीनेस पे बढ़े, हो सकता है एंगर पे, तो पढ़ना पड़ेगा पेपर, देखना पड़ेगा। तो आप बजाय एक सिंपल बात बोलने के क्यूरियोसिटी लाएं कि क्या होगा, कैसे करेंगे इस चीज को, दैट इज व्हाट दे से कि ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है यहां पे। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप के बारे में इनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही डाटा सेट से बहुत सारे पेपर लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है, आप बार बार थोड़ी डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन एएमजे के एडिटर्स का ये कहना है नहीं, अगर आप एक ग्रैंड चैलेंज लेते हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते, पार्ट्स में काम नहीं कर सकते, आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, और एम्बिशियस में मतलब बहुत लार्ज लैंडस्केप पे काम करना पड़ेगा, लार्ज सैंपल आपको लेना पड़ेगा और बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है लिडन 2001 का, जिन्होंने सोशल कैपिटल करियर सक्सेस पे काम किया। इनका यह कहना है कि इन्होंने सोशल कैपिटल को 3 थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव से अलग अलग डिफाइन किया, बहुत डिटेल में बताया इन्होंने। ये चाहते तो एक एक परस्पेक्टिव से एक पेपर लिख सकते थे, पर इन्होंने, अगर आप एएमजे के लिए टारगेट करते हैं या ए स्टार के लिए, तब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। हाँ, यहां पे एक ये भी आ जाएगा कि आपका पेज लेंथ वगैरह भी तो मैटर करता है ना, तो कई बार आपका वर्ड ही 6000 है, उसमें कैसे लिखेंगे। पर एएमजे कहते हैं कि हम लेस देन 40 पेज तो हम लेते ही नहीं है, तो वहां तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो आपको जनरल भी देखना पड़ेगा जो आप टारगेट करेंगे। नेक्स्ट है एक्शनेबिलिटी। एक्शनेबिलिटी का मतलब है कि इसका करें क्या, प्रैक्टिकली कैसे काम करें। उसका एडिटर्स का यह कहना है कि आप एक काम करें, एक बहुत उसका एक इजी ट्रिक ये है, टेक्निक ये है, आप हमेशा वेरिएबिलिटी इन प्रैक्टिस और जो आपकी थ्योरी बोलती है उसको देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस में एक ही तरह के लोग क्यों नहीं काम करते, अलग अलग वेरिएशन क्यों आ रही है, कुछ कंपनी ऐसा कर रही है, कुछ कंपनी ऐसा कर रही है। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया कि इनोवेशन पे बहुत सारा काम हुआ और सारे बोलते हैं इनोवेशन कैपिटल इंसेंटिव रिसर्च डेवलपमेंट एफर्ट से होता है, व्हाट अबाउट वो जो $20 का कोई किसी ने आर्टिफिशियल नी बना दिया लो कॉस्ट, वो कहां गए, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल ऐसा नहीं है कि कैपिटल इंसेंटिव हो आपका, आपका इनोवेशन तो जो आपको लगे, जहां आप गैप फिल इन कर सके, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे इन्होंने जिक्र किया है एक मैकगहन का 2007 में, इन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं जो एक्शनेबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो काउंटर इंट्यूटिव इंसाइट बताएं, जो जनरली लोग सोचते नहीं है, जनरली बातें मिस हो जाती हैं, वो बातें बताएं। दूसरा, हाईलाइटिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। अब समझ रहे हैं क्यों हर बंदा चैट जीपीटी पे और ओपन एआई पे लिख रहा है, उनको बता रहा है, जो न्यू और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उनकी बात करें। शोइंग इनकंसिस्टेंसी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रैक्टिसेस, एक जैसे क्यों नहीं है, कुछ कंपनी ऐसा करती है, कुछ ऐसा करती है, एक स्टेट में ऐसे हैं, एक स्टेट में ऐसा है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, उसकी बातें करें। सजेस्टिंग अ स्पेसिफिक थ्योरी टू एक्सप्लेन करंट सिचुएशन को, बताएं कौन सी थ्योरी यहां पे काम करती है। आइडेंटिफाइंग अ आइकॉनिक फिनोमिना दैट ओपन्स न्यू एरिया, कोई भी एक फिनोमिना लेके बताएंगे, देखिए इससे क्या क्या चेंज हो गया है। और ये एडिटर्स बोलते हैं कि अगर आप ये 5 को देखते हैं तो आपका ग्रैंड चैलेंज एड्रेस हो जाता है, या ग्रैंड चैलेंज को एड्रेस करना है तो ये 5 आपके होने चाहिए। ये चीजें इन्होंने कुछ 5 बताई हैं, बहुत छोटा सा पेपर है और काफी सही पेपर है। जब आप अपना टॉपिक चूज करें, टॉपिक से पहले आप अपना एक एरिया चूज करते हैं, मुझे मार्केटिंग में काम करना है, मुझे यहां काम करना है, उसके अंदर जो आपका आएगा, अगर आप इन 5 को एड्रेस कर पाए तो पब्लिकेशन आपका काफी इजी हो जाएगा लेटर स्टेजेस पे। सो होप यू लाइक इट, पढ़िएगा ये पेपर, और ये आपको सारे गूगल स्कॉलर के ऊपर अवेलेबल हैं, जे स्टोर के ऊपर। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।